हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रोटी के तीन हैक्स, दैट इज़ रोटी पिज़्ज़ा, रोटी समोसा एंड फ्रेंकी रोल। सबसे पहले हम रोटी पिज़्ज़ा बनाएंगे, जिसके लिए हम लेंगे मलाई, रेड चिली फ्लेक्स, नमक, तेल और थोड़ा सा पानी करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर गार्लिक पाउडर भी डालेंगे। ये फ्लेवर्ड मेयोनीज है या फिर आप चीज़ भी ले सकते हो अवेलेबल हो तो। अब हम लेंगे एक रोटी, उस पर हम सॉस और चटनी लगाएंगे या फिर बस सॉस लगाएंगे, अपने ऊपर डिपेंड है कि अपन को क्या अप्लाई करना है। फिर ऑप्शनल वेजीज, टोमेटो, ऑनियंस, ग्रीन चिली, फिर चिली फ्लेक्स, नमक और रेड चिली डालकर इस पर हमारा जो एक्सपेरिमेंटल मेयोनीज है उसको अप्लाई कर देंगे। फिर एक पैन लेंगे और उस पर घी या फिर बटर, और फिर उस पर उसको 5 मिनट के लिए सेक के ओरिगेनो स्प्रिंकल करके इन्जॉय करेंगे। सेकेंड हम फ्रेंकी रोल बनाएंगे, जिसके लिए हम ऑप्शनल वेजीज लेंगे, उसमें हम रेड चिली फ्लेक्स और नमक मिक्स करके और सॉस मिक्स करके उसे मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर एक रोटी, उसमें हम चटनी और सॉस अप्लाई करेंगे और फिर फ्रेंकी रोल के लिए जो वेजीज रेडी करी उसको ऐसे बीच में अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसमें चीज़ अप्लाई करके इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे और टूथपिक अप्लाई करेंगे, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद एक तवे में तेल अप्लाई करके रोटी के रोल को 5 मिनट के लिए या फिर 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे और फिर उसके बाद ये कुक हो जाएगा तब इसे सॉस, सेव, चीज़ या फिर पनीर बाइट्स से डेकोरेट करेंगे और फिर इन्जॉय करेंगे। ये बिल्कुल रेडी है, अब हम रोटी समोसा बनाएंगे, दैट इज़ हमारी थर्ड रेसिपी। सबसे पहले हम मैदा, तेल और पानी को मिक्स करके एक गाढ़ी स्लरी बना लेंगे, थिक स्लरी। उसके बाद रोटी को 2 पीस में डिवाइड करेंगे और इस तरह से टर्न करके मैदा स्लरी अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसे कवर कर देंगे और फिर आप उसमें लेफ़्ट ओवर सब्जी का मिक्स ऐड करो या आलू मसाला इसमें अप्लाई करके इसे ऐसे कवर कर दो, पूरी तरह से प्रेस कर दो। और उसके बाद ऐसे ही सारे समोसा रेडी कर लो और फिर लो एक बाटी ओवन या फिर पैन या तवा और उस पर इस तरह से सारे समोसे रख दो और ऑयल अप्लाई करके 5 मिनट के लिए कुक होने दो। फिर नेक्स्ट साइड भी कुक होने दो और फिर उसे भी 5 मिनट कुक होने के बाद इसको प्लेट में टर्न कर लो, अप्लाई करो उस पर सॉस, चटनी और सेव। दैट इज़ हमारा सीनरी समोसा बिल्कुल रेडी है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये तीनों हैक्ड वाली रेसिपी, जल्दी से कमेंट करके बताएं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।